सो गाइस, कैसे हैं आप सब? जब भी गेमिंग फोन की बात आती है ना, तो सबसे पहला जिक्र आसुस आरओजी फोन का ही होता है। इस फोन ने गेमिंग सेगमेंट में एक अलग बेंचमार्क सेट कर दिया है। हर कोई अच्छा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी दे सकता है, लेकिन बेहतरीन एक्सपीरियंस कुछ में ही मिलते हैं, और उनमें से एक है आसुस का आरओजी फोन। इस साल कंपनी ने आसुस आरओजी फोन 5 को लॉन्च किया है। अपने पिछले मॉडल की तरह ये फोन भी काफी एडवांस है, और सबसे खास बात कही जा सकती है कि काफी अपग्रेडेड है। तो आज मैं इस वीडियो में आसुस आरओजी फोन 5 का रिव्यू करने वाला हूं। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, ये एक ऑन पेपर बेसिस होने वाला है, ना ही मुझे कोई रिव्यू यूनिट मिला है। और हाँ, इन फ्यूचर मिल सकता है, और तभी मिलेगा यदि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। तो अपने इस भाई का नाम जान लें। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, और आप देख रहे हैं टेक्नो अनूप। नाम तो सुना होगा। आपने पहले आरओजी डिवाइस को देखा है या फिर नहीं देखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब भी आप इसे देखेंगे ना, तो एक बार में ही समझ जाएंगे कि ये डिवाइस गेमिंग के लिए ही बना है। यदि पिछले मॉडल से इसकी कंपैरिजन की जाए तो आसुस आरओजी फोन 5 डिजाइन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। वहीं किसी दूसरे फोन से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। फोन का बैक में ग्लास का फिनिश दिया गया है, और पीछे में ही आपको कार्बन फाइबर स्क्रैच प्रिंट देखने को मिलेगा, जिस पर आरओजी का लोगो भी दिखाई देता है। इस बार एक खास चेंजेस है, कंपनी फोन में डॉट मैट्रिक्स लाइट का यूज किया है, जो बिल्कुल नया एहसास कराता है। अच्छी बात यह कही जा सकती है कि इस बार आरओजी लोगो का यूज सिर्फ स्टाइल के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि ये नोटिफिकेशन एलईडी का भी काम करता है। आप कुछ सेलेक्टेड ऐप को इस पर सेट कर सकते हैं, और सेट करते ही जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो इसमें एलईडी लाइट ब्लिंक करने लगती है, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कोई नोटिफिकेशन आया होगा। वैसे तो आरओजी 5 को व्हाइट और ब्लैक कलर में लॉन्च किया गया है, जहां पावर बटन और सिम ट्रे को रेड कलर में रखा गया है, जो वेरिएशन लेकर आता है। अच्छे डिजाइन के बाद एक कमी जरूर कही जा सकती है कि ये फोन काफी हेवी है। इसे पैंट के पॉकेट में लेकर चलना या फिर हाथ में यूज करना थोड़ा कठिन जरूर है। डिजाइन के बाद पोर्ट की बात करें तो पिछले मॉडल की तरह इसमें भी आपको दो USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। एक पोर्ट नीचे की ओर दिया है, जबकि दूसरा साइड में है। इसका फायदा यह होता है कि आप गेमिंग खेलने के दौरान भी इसे चार्जिंग पर रख सकते हैं। हमें खास बात यह लगी कि इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, जिसे कंपनी ने पिछले मॉडल से हटा दिया था। इसके अलावा आपको नीचे में लाउड स्पीकर ग्रिल और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर के साथ दो कैपेसिटिव एयर ट्रिगर दिए गए हैं, जो गेमिंग को खास बनाता है। कुल मिलाकर कहें तो कंपनी ने गेमिंग के लिहाज से सब कुछ देने की कोशिश की है, सिर्फ कमी IP68 की लगी। जी हाँ, इस फोन को IP रेटिंग नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको पानी और धूल से बचाकर रखना होगा। डिजाइन के बाद डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन की स्क्रीन पर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की कोटिंग दी गई है, वहीं पिछले पैनल पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। ये फोन 800 nits ब्राइटनेस और 300 हर्ज टच सैंपलिंग को सपोर्ट करता है, ऐसे में आपको स्क्रीन रेस्पॉन्स बहुत ही शानदार मिलेगा। यूज करने के बाद कहा जा सकता है कि अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि फोन में 144 हर्ज तक की रिफ्रेश रेट सपोर्ट है, लेकिन आप जरूरत के हिसाब से इसे 60 हर्ज से 120 हर्ज पर स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको डेल्टा ई और HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, जहां आप अपने फेवरेट शो को हाई क्वालिटी पर स्ट्रीम कर सकते हैं। डिस्प्ले से हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, ये काफी अच्छा है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसे एक हाथ से यूज नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसुस आरओजी फोन 5 फिलहाल मार्केट में अवेलेबल सबसे पावरफुल फोन में से एक है। कंपनी ने इसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर पर लॉन्च किया है, और फोन में 12GB की LPDDR5 रैम के साथ 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। अब जिसमें इतना पावरफुल स्पेसिफिकेशन हो, उसे आप स्लो की कामना कैसे कर सकते हैं?
वही शानदार रिफ्रेश रेट ग्राफिक्स को और स्मूथ बना देता है। इसमें आप हाई ग्राफिक्स के साथ गेम खेलेंगे तो फ्रेम ड्रॉप की एक भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी। सबसे खास बात यह कही जा सकती है कि कंपनी ने ROG फोन 5 में एयरमोरी क्रिएट ऐप का सेक्शन दिया है, जहां ये 120 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाले गेम्स को हाईलाइट कर देता है, जिससे कि आप फोन में शानदार गेमिंग का मजा ले सकेंगे। हालांकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस पर सबसे ज्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, क्योंकि लगभग सभी फोन पर इसी गेम को खेल करके टेस्ट करते हैं और एक्सपीरियंस शानदार रहा। गेमिंग के लिए कहा जा सकता है कि किसी भी फ्लेक्सी फोन से ज्यादा बेस्ट है ये डिवाइस। वहीं गेमिंग के दौरान इसके एयर ट्रिगर पर आप कमांड को मैप कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक तो गेमिंग आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल मिल जाता है और स्क्रीन पर स्पेस भी काफी खाली हो जाती है। एयर ट्रिगर को आप चाहें तो कैपेसिटी बटन में भी स्विच कर सकते हैं, जहां पर स्लाइड और स्वैप जैसे जेस्चर का यूज किया जा सकता है। वहीं पिछले मॉडल की तरह इसमें भी गेम जीनी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। यदि आप सिर्फ गेम पर फोकस करना चाहते हैं तो फिर ये काफी यूजफुल है। इसमें आप गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं, अपने सिस्टम स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, GPU और CPU टेम्परेचर के अलावा FPS देख सकते हैं। कंपनी ने इसके साथ कई एक्सेसरीज लॉन्च किए हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि ये एक्सेसरीज है बहुत ही ज्यादा शानदार। यदि आप प्रोफेशनल गेमिंग की ओर देखते हैं तो वे काफी यूजफुल है। रही बात ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो कहा जा सकता है कि अपने सेगमेंट में बेस्ट है ये डिवाइस। Asus ROG Phone 5 Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। हालांकि इसमें प्योर एंड्रॉइड तो नहीं है, कंपनी ने कस्टमाइजेशन किया है, लेकिन स्टॉक OS से ज्यादा अलग भी नहीं है। फोन में आपको बिल्ट इन थीम स्टोर के अलावा नेविगेशन और स्क्रीन ऑन ऑफ जेस्चर जैसे ऑप्शंस भी मिलेगा। OS और सॉफ्टवेयर सेटिस्फैक्टरी है। Asus ROG फोन अपनी गेमिंग कैपेसिटी के लिए पॉपुलर है, ना कि कैमरे के लिए। बावजूद इसके फोन में आपको हाई एंड कैमरा सेटअप मिलेगा। रियर पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। कंपनी ने सोनी IMX686 का सेंसर यूज किया है, जो अपने शानदार फोटोग्राफी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया गया है, जो 125 डिग्री की फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है। इसका तीसरा सेंसर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। इन सब के साथ फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। रही बात क्वालिटी की, तो अच्छी है, फोटो काफी फास्ट क्लिक करता है और डिटेलिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन पिक्चर देखने में थोड़ा डल लगता है। हालांकि कंपनी ने इसे नेचुरल रखने की कोशिश की है, लेकिन इसकी वजह से मजा खराब हो जाता है। इसके अलावा दूसरे से क्लिक किए गए फोटोज में बड़े सब्जेक्ट तो सही से आते हैं, लेकिन छोटी चीजें मर्ज हुई लगते हैं। जैसे कि आपने कोई लैंडस्केप फोटो क्लिक किया तो पेड़ आसमान फिर भी ठीक लगेंगे, लेकिन छोटी झाड़ियां पौधे या पत्ते ऐसे लगते हैं कि मर्ज हो रहे हैं। हालांकि आप लाइटिंग बढ़ाते हैं तो उभर कर आएंगे, लेकिन फिर भी वो मजा नहीं है जो आज के फ्लैगशिप फोन में आता है। Asus ROG Phone 5 में स्लो मोशन और नाइट मोड जैसे ऑप्शन भी हैं। लो लाइट फोटोग्राफी में भी कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है। नाइट मोड में पिक्चर में अच्छा निखार लेकर आता है, लेकिन फिर भी थोड़े ग्रेस रह जाते हैं। वहीं वाइड एंगल काफी अच्छा है, जहां नॉर्मली 119 डिग्री और 123 डिग्री का ऑप्शन मिलता है। वहीं ये फोन उससे बड़े एरिया को कैप्चर करता है और इसमें 125 डिग्री तक का सपोर्ट है। वीडियो के लिए फोन में फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ 4K 60 फ्रेम पर सेकंड और 8K वीडियो का भी ऑप्शन है, जो कि अच्छी बात कही जा सकती है। अब तक 8K रिकॉर्डिंग बहुत ही कम डिवाइस में ही देखने को मिलता है। फोन में प्रो फोटो के साथ प्रो वीडियो का भी ऑप्शन दिया गया है। फोन की वीडियो क्वालिटी अच्छी है और उसके साथ साउंड बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करता है। रही बात सेल्फी की, तो ये भी आपको निराश नहीं करेगा, अच्छी डिटेलिंग के साथ नेचुरल फोटो क्लिक करता है। कुल मिलाकर कैमरा सेगमेंट के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये फोन अच्छी डिटेलिंग के साथ फोटो लेता है, लेकिन वाओ वाला फैक्टर मिसिंग है। Asus ROG Phone 5 बेस्ट गेमिंग फोन इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि उनका गेम प्ले अच्छा होता है, बल्कि इसलिए होता है कि पूरा सिस्टम ही गेमिंग में बेस्ड होता है। Asus ROG Phone 5 आपको ऐसा ही एहसास कराता है।
अब आपने जितने भी फोन देखे होंगे ना, उनमें से सबसे बेस्ट ऑडियो इस फोन का ही मिलेगा। ना सिर्फ साउंड तेज है बल्कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो रियली फील अच्छा देगा। भले ही आप ईयरफोन के बजाय लाउड स्पीकर पर ही क्यों ना हो, कंपनी ने इसे 12x16 डुअल सुपर लाइनर स्पीकर के साथ लॉन्च किया है, जो बहुत ही शानदार है। वहीं यदि आप ईयरफोन या हेडफोन पर म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो फोन में हाई रेंज सर्टिफाइड 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है, जो ESS SABRE एम्पलीफायर के साथ आता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आप इसे लाउड स्पीकर या फिर ईयरफोन पर सुनने आपको बेस्ट एक्सपीरियंस ही मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल सिम कार्ड सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा 5G और 4G नेटवर्क का सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी दिया गया है, जहां इन डिस्प्ले बहुत ही फास्ट है। ROG Phone 5 को कंपनी ने 6000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है। कंपनी ने 2 3000 mAh की बैटरी का यूज किया है। इसके साथ ही 65 W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। रही बात बैटरी बैकअप की, तो हैवी गेमिंग के बाद भी एक दिन निकाल देता है। हालांकि यदि आप इसे 144Hz रिफ्रेश रेट पर लगातार यूज करते हैं, तो स्क्रीन ऑन टाइम 7 घंटे से ज्यादा का मिलेगा, जो कि काफी शानदार कहा जा सकता है। Asus ROG Phone 5 को इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस 49,999 रुपए है। फोन देखने में शानदार है, परफॉर्मेंस में बेस्ट है, और गेमिंग का तो कहना ही नहीं। बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है और 5G आपको मिल जाता है। वहीं ऑडियो के मामले में इससे अच्छा फोन फिलहाल है ही नहीं। लगभग सभी एडवांस फीचर्स के साथ ये डिवाइस आता है। कमी थोड़ी कैमरे की कही जा सकती है, थोड़ा ज्यादा हैवी भी है और IP रेटिंग नहीं है। IP रेटिंग ज्यादातर फोन में नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो गेमिंग के साथ परफॉर्मेंस में भी बेस्ट हो, तो Asus ROG Phone 5 को देख सकते हैं। वहीं यदि आप बेस्ट कैमरे फोन की खोज में हैं, तो फिर ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। इस बजट में आप OnePlus 9, Samsung Galaxy S20, FE 5G और IQ7 Legend को भी देख सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।